एक अनुष्ठान की तरह प्रार्थना पूर्ण हृदय से भस्त्रिका प्राणायाम करना और पूरे सामर्थ्य से करना, जो कुछ भी करे ये योग का भी सिद्धांत है और जीवन का भी सिद्धांत है। अपना सर्वस्व न्योछावर करके करना, कुछ भी बचा के नहीं रखना। उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा हर्निया है, कमजोरी है, धीरे भी करें तो भी पूरा करें। ऐसे लंबा गहरा श्वास भरा और बाहर छोड़ा, यूं लगभग 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। लंबा गहरा श्वास और जो पूरी तरह से निरोगी है, योगी है, वितीव्रता से भी करें तो भी विधि का अतिक्रमण नहीं होगा। मेथड 100% परफेक्ट, टाइमिंग भी एक्यूरेट, कंसंट्रेशन कंटिन्यूटी के साथ। और एक बड़ा शब्द है भगवत शरणागति के साथ, विवेक की पराकाष्ठा, श्रद्धा भक्ति समर्पण निष्ठा की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। इसी को मैं ऐसे कहा करता हूं अक्सर, ज्ञान एवं श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के सातत्य में ही स्वास्थ्य के सारे सूत्र सन्निहित हैं। स्वास्थ्य ही नहीं, सफलता, विजय, प्रसन्नता, पूरे जीवन का प्रयोजन सन्निहित है। प्रार्थना पूर्ण हृदय से, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो और गगन से भी विशाल हो, प्रभु आप असीम हो, अनंत हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, प्रभु आपकी शरणागत हो। भगत शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम् त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु, मामे वेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवत शरणागति में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति में गच्छति गोन्ते प्रतिजानी न हमे भक्त अपनस्य तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवान चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतस। भगवान का आश्वासन है, एक बार योग के पथ पर, सत्य के पथ पर, वेद के पथ पर, भगवान के पथ पर, इस परम पथ पर आगे तो बढ़ो, हमारा उद्धार सुनिश्चित है। कितने ही रोगी हो, कितने ही दुखी हो, दरिद्र हो, यहां तक कि दुराचारी भी हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। बस एक बार गुरु का मार्ग पकड़ा, भगवान का मार्ग पकड़ा, प्रभु का पथ पकड़ा, तो बस उससे डिगना नहीं। अब चलो लेके साथ करते हैं। पूरा किया सबने?